अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कप्तान आ गए हैं जी गुस्से में, और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में। और ऐसा लग रहा है कि उनका जो गुस्सा है वो ना सिर्फ ये कि उन लोगों के साथ है जो इस वक्त चढ़े हुए हैं, तुले हुए हैं कि उन्होंने कप्तान को माइनस करना है या उनको बिल्कुल कहीं कॉर्नर करना है या उनका किसी भी तरह नाम निशान मिटाने के ख्वाहिशमंद हैं जो लोग, वो तो अपनी जगह मौजूद हैं ही, लेकिन वो भी लोग जो कभी खान के साथी थे उसके हवाले से भी इमरान खान साहब का जो इस वक्त रद्दअमल है वो खासा ऐसा लग रहा है कि जिसको कहते हैं ना जीरो टॉलरेंस, वो वाला लग रहा है। तो उस पर थोड़ी सी आज बात करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, फिर अहम केस के हवाले से जो मैंने पिछले वीलॉग में मैंशन किया था, क्या उसमें कार्रवाई हुई है वो बात होगी, आपको बताएंगे। इमरान रियाज खान साहब के हवाले से जनाब क्या खबर है और क्या उसमें हौसला अफजा बात है, वो भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। और लास्टली बात करेंगे इसहाक डार साहब के बारे में। तो आज काफी कुछ है जय वीलॉग में। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। तो जनाब सबसे पहले इमरान खान साहब की बात हो जाए। आपने देखा असद उमर साहब ने जो इंटरव्यू दिया उस पर बड़े क्वेश्चन भी लोगों ने उठा दिए हैं और बड़ा काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ा असद उमर साहब को, और काफी हद तक वो जायज क्रिटिसिज्म भी है। कुछ चीजों पर शायद उन्हें मार्जिन देना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर जो एक नजर आती है उनकी इस पूरे इंटरव्यू में, दो तीन अहम चीजें वो ये कि उन्होंने इमरान खान साहब की पॉलिसी से इख्तलाफ किया, और उस वक्त इख्तलाफ किया है जब वो मुश्किल में है, जब एक 9 मई का वाकया हो चुका है, जब ये चीजें अगर हो रही थी और आपको कोई इख्तलाफ था तो आप उस वक्त अगर पार्टी ओहदे से अलहदा होते तो एक अलग चीज होती है। बाद में तो हर कोई यही कहेगा कि बुजदिल हैं, मुश्किल वक्त देख के आप जनाब छलांग लगा बैठे हैं जहाज से, और हर कोई ये कहेगा कि आप दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके, हर कोई ये कहेगा कि मलबा डाल दो भाई इमरान खान पर। तो ये एक हमने कुछ लोगों में ये ट्रेंड देखा है कि जो कुछ भी हुआ जी मलबा इमरान खान पर डाल दो जी। हम तो उस वक्त भी बात होती थी, खुल के बात होती थी, लेकिन इमरान खान नहीं माने तो इमरान खान नहीं माने। तो भाई जब बात यह है कि लीडर जो है वो जाहिरी सी बात है उसका अपना एक विजन या मौकफ होता है, लेकिन जब आप उसके साथ खड़े हैं दैट मीन्स आप उसका फैसला, उसका मौकफ, उसका विजन वो आप पूरी तरह ओन कर रहे होते हैं। फिर ये नहीं है कि अगर उसका रिजल्ट सही नहीं है तो आप बाद में कपड़े झाड़ के साइड पे हो जाएंगे जी मुझे क्या, मैंने तो पहले ही कहा था। तो ये अजीब सा एक तर्ज अमल जो है ये किसी भी तरह ना तो इमरान खान ने कबूल किया और ना ही उनके फॉलोअर्स ने कबूल किया। तो पीटीआई के सपोर्टर को मायूसी हुई असद उमर साहब के इस रवैये से। फिर उन्होंने जिस तरह से -1 के ऑप्शंस के ऊपर बात की कि जी अगर इमरान खान अपनी मर्जी से -1 कर देंगे तो वो ठीक है, वो चल जाएगा। अगर आप इतने ही कप्तान के डाई हार्ड फैन हैं तो फिर आप ये कहें कि क्यों भाई माइनस हो, वो किस लिए, क्या जुर्म किया है उसने जो वो माइनस हो जाए? क्या 9 मई का वाकया कप्तान ने अकेले खुद जाकर किया है? क्या उन्होंने जाके चीजों को आग लगाई कि जी हम उनको डिसऑन कर दें? जैसे अल्ताफ हुसैन के मामले में अल्ताफ हुसैन ने खुद एक स्पीच की और वो स्पीच जो थी वो सबने सुनी, उसमें उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और ये कहा कि हम इंडिया की फौज को बुला लेते हैं कि वो हमारे जो लोग हैं उनकी मदद करें, ये फौज जो है ये गद्दार है, ये इस टाइप की उन्होंने गुफ्तगू आने की थी। तो जिसके ऊपर जाहिर सी बात है एक बंदा अपने मुंह से जो बातचीत कर रहा है तो वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज बनी और फिर जिस तरह से मामला हुए। इमरान खान साहब ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, और जो 9 मई का वाकया हुआ है वो तो खुद वहां पर मौजूद तक नहीं थे, वो तो खुद अरेस्ट में थे। तो अगर उससे पहले कोई किसी हवाले से ये ठीक है, हो सकता है ये प्लानिंग हो रही हो, प्लानिंग ना भी हो, हो सकता है ये डिस्कशन में बात आई हो कि जी अगर कोई गिरफ्तारी होनी है, जाहिर है जब सब लोग मीटिंग में बैठे होते हैं तो मुमकिन जो भी वाकयात होते हैं उसके ऊपर गुफ्तगू होती है कि अगर गिरफ्तारी हो गई तो क्या करना है, अगर पकड़ लिया तो क्या करना है, अगर नहीं गिरफ्तारी हुई तो क्या करना है। तो बहुत सारे ऑप्शंस पे बात होती है। हो सकता है उसमें ये बात हुई हो कि जी अगर गिरफ्तारी हुई तो जीएचक्यू के सामने एहतजाज करना है या कोर कमांडर के हाउस के सामने एहतजाज करना है, और हो सकता है इतनी बात भी ना इवन हुई हो, ये जरूरी नहीं है। मैं तो एक बात कर रही हूँ कि हो सकता है अगर इस हद तक बात हुई भी हो, किसी की तरफ से कोई सजेशन भी आई और उस पर कोई फैसला हुआ नहीं हुआ वो एक तरफ आप छोड़ दें, लेकिन बात यह है कि एक पहुंच के सामने बैठ के एहतजाज करना एक अलग चीज़ है, और बाकायदा चीज़ों को तोड़फोड़ करना, उनको जलाना, तशद्दुद करना, ये एक अलग चीज़ है। और शायद जिस वक्त ये सारी डिस्कशन हो रही हो किसी ने ये सोचा भी ना हो कि कोई रोकने वाला बीच में मौजूद नहीं होगा। और इमरान खान साहब तो अपना एक इस पर पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं पूरा, उनका ख्याल है ये सारा एक क्रिएटेड इवेंट है और बहुत सारे इसमें ऐसे लूप होल्स हैं जिससे ये तासुर मिलता है कि क्यों नहीं रोका गया, किस तरह से ये चीज़ें होने दी गई। तो ये सब सवाल उठते हैं
कि जो उसके बाद भी चीज़ें हुई हैं उससे भी ये सवाल उठते हैं कि इसका बेनिफिशरी कौन है। बेनिफिशरी तो वो लोग हैं जिनके काबू इमरान खान नहीं आ रहा था और बाद में उनको मौका मिल गया। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ये इतना ईजी नहीं है, आप ये कपड़े झाड़ के खड़े हो जाएंगे जी हमें तो क्या पता जी होती होंगी। भाई आप तो कोर कमेटी में हैं, आप तो वो किचन कैबिनेट का हिस्सा हैं कि जो फैसले लेने में शामिल है, तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि आपको नहीं पता या अच्छा जी हुआ होगा फैसला जी अच्छा, जैसे इमरान खान अकेला ही निकल गया कोई दिया सलाई लेके कि मैं सबको छोड़ूंगा नहीं। तो ये अजीब सी एक लॉजिक जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं थी। और फिर आप आके इस तरह की बात कर रहे हैं कि जी अच्छा वो खुद अपनी मर्जी से माइनस हो जाएंगे तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इससे ना सिर्फ ये कि इन शख्सियात की मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की अपनी कमजोरी जाहिर हुई बल्कि लोगों ने इसको नापसंद किया और उसके ऊपर बड़ा रिएक्शन भी आया। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि रिएक्शन पीटीआई की तरफ से भी आया। इमरान खान साहब ने परवेज फटक साहब को भी शो कॉज नोटिस जारी किया है और इसके साथ साथ असद उमर साहब के भी इंटरव्यू के ऊपर उन्होंने अच्छी खासी एक एक्सप्लेनेशन जो है वो जारी करवाई है मरकजी सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन साहब से और उन्हें ठीक ठाक उसमें सुनाई है। तो मतलब ये कि ये भले कितने ही कदावर शख्सियात हों पीटीआई में और कितना ही उन्होंने कप्तान का साथ भी दिया हो, लेकिन मुश्किल टाइम में अगर वो इस तरह से कप्तान को अकेला छोड़ेंगे और सारा मलबा उनके ऊपर डालकर अपने कपड़े झाड़कर साइड पे होने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है एक रिएक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड था और वो हमें नजर आया। इमरान खान साहब इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को बिल्कुल भी माफ करने के मूड में नहीं है, जीरो टॉलरेंस है। भले उनका अपना इस वक्त जो भी सिचुएशन हो लेकिन कम अज कम वो ये पहचान रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, इस पर उनकी पूरी आंख है। तो ये तो जी एक इमरान खान साहब के हवाले से। अब जरा इस पे आ जाएं कि क्या सिविलियन मुकदमे फौजी अदालतों में चलेंगे, इसके हवाले से मैंने आपको कल बताया था कि एक 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाए और बड़ी फरमाइशी एक जो हमेशा नाम नेहाद जमहूरियत पसंदों की वो चल रही थी ना कि जी काजी फैज ईसा को क्यों नहीं शामिल, उनके पेट में हर वक्त उनके लिए दर्द उठता रहता है। तो जी वो काजी फैज ईसा साहब को भी शामिल करके चीफ जस्टिस साहब ने एतराज उतारने की कोशिश की कि चलो जी अभी लामा ला ही लीजिए, लेकिन वो लामा जो है वो लथने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि बेसिकली इस लामे में शिकायत में वजन तो एक जगह अपनी जगह, खुद काजी फैज ईसा साहब भी कंफर्टेबल नहीं है कि ये इनके साथ बैठ के मुकदमात सुने, बजाहिर ऐसा नजर आता है क्योंकि कितने महीनों से वो खुद को बिल्कुल अदालती बेंचेस से अलग किए हुए हैं और उन्होंने अपनी दस्तियाबी को यकीनी नहीं बनाया हुआ और वो सिर्फ चैम्बर वर्क कर रहे हैं बैठ के, कोई मुकदमा सुनने के लिए तैयार ही नहीं। भाई आप जज हैं आगे मुकदमात सुने। लेकिन बहरहाल अब उसमें जहां सुप्रीम कोर्ट में एक डिवीजन थी और जो एक हमें नजर आया कि पूरा एक फिर उसके ऊपर सियासी महाज खड़ा हुआ, तो वो तो काजी फैज ईसा साहब ने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया ही किया हुकूमत को कि जिसके बुनियादों के ऊपर हुकूमत ने पूरा पूरा अटैक किया चीफ जस्टिस साहब के ऊपर। भले उसमें चीफ जस्टिस की भी कुछ कुताहियां गलतियां हो सकती हैं लेकिन अल्टीमेटली ये चीजें हुई। और अब इस मुकदमे में भी काजी फैज ईसा साहब ने बैठने से इनकार कर दिया कि जनाब चूंकि चीफ जस्टिस साहब तो अब बेंच बनाने के मजाज ही नहीं रहे, उनका इख्तियार ही नहीं रहा क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने एक बिल पास कर लिया है, कानून बना दिया है जिसमें उन्होंने जो बेंच की तश्कील है उसको बेसिकली 3 रुकनी कमेटी के हवाले किया है। तो लिहाजा चूंकि अब चीफ जस्टिस साहब इस बात के मजाज ही नहीं रहे तो लिहाजा वो समझते हैं कि ये बेंच की तश्कील ही गलत है और इसलिए वो ये मुकदमा नहीं सुनना चाहते। तो काजी फैज ईसा साहब अलग हुए, साथ ही साथ उनके जस्टिस तारिक जो है वो भी, तारिक मसूद साहब वो भी अलग हो गए इसी बुनियाद के ऊपर, उन्होंने कहा मैं भी इत्तेफाक करता हूँ और ये दोनों साहिबान अलग हो गए। तो अब बाकी रह गया 7 रुकनी लार्जर बेंच। यहाँ पर पहले तो मैं अपना कमेंट दे दूँ, ये वही बात है कि जी आपने हर चीज में वो एक होता है ना कि आप एक स्पॉयलर होते हैं हर चीज को, कुछ ना कुछ उसमें आप एक शोशा छोड़ देते हैं, तो वो इस तरह की मुझे जो है वो सूरत हाल नजर आती है कि अगर बिठा दें तो मसला, ना बिठाएं तो मसला, ये वाली सूरत हाल है। भाई जब फैसला उस पर महफूज है, उस केस की हेयरिंग हो चुकी है, जब फैसला आएगा उसके बाद जो भी उसका फैसला हो, अगर वो उसमें ये कहते हैं कि जी कानून साजी ठीक है तो इसका मतलब है ठीक है आगे से 3 लोग बना लिया करेंगे बेंच, और अगर वो कहते हैं कि नहीं ठीक है तो भाई ठीक है आगे से नहीं बनेंगे। तो इस बात के ऊपर ये वाला मुकदमा नहीं मैंने सुनना, ये तो एक अजीब सी बात है। इस तरह तो फिर इसका मतलब है अदालतों को ताले लगा देते हैं, बंद कर देते हैं जब तक के इन मुकदमात के, इन मसले मसाइलों के हल ना निकल आए, तो ये नहीं होता है, काम तो चलाने होते हैं। लेकिन बहरहाल अब जो भी उनका इंटेंशन है वो तो वही बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अलग हो गए वो।
और उसके बाद जो एक छोटी मोटी सी समात हुई उसमें ये सवालात उठाए गए कि जो मुतासरीन है वो क्यों नहीं दरख्वास्त गुजार बने। तो खैर दोनों जो हजरात हैं वो अलग हो गए और फिर उसके बाद जो मुकदमात में जो बाकी जो सात रुकनी बेंच था उसमें जो समात हुई उसमें फिर ये बातें उठाई गई कि जो सायलीन हैं वो आम वकला हजरात क्यों हैं, मुतासरीन ने खुद क्यों नहीं इन फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ आवाज उठाई। तो ये सारी चीजें हैं, अब देखते हैं आगे इसकी क्या, लेकिन मुझे नजर यही आ रहा है कि इसके ऊपर जो भी फैसला आएगा उसको भी पूरा पूरा मुतनाज़े बनाया जाएगा अब इस बुनियाद के ऊपर कि देखे जी ये तो बेंच था ही नहीं कानूनी तो इसका फैसला हम क्यों माने। वही वाली रट जो पहले आपने सुनी थी ना कि जी ये सात रुकनी सात और तीन चार तीन का फैसला वो इलेक्शन वाले केस में जो उन्होंने, इस बात पे नहीं आएंगे कि आइन तो साफ है कि 90 दिन में होने हैं या नहीं होने, नहीं इस बात को आप छोड़ दें, बस इस पे बात करें कितने बेंच क्या बेंच कौन सा जज नहीं। अभी भी इन्होंने यही हरकत करनी है कि जी इसी चक्कर में पड़े रहेंगे कि बेंच तो बना ही गलत था, ये था वो था, और जनाब उसके बाद ये आराम से उसमें खूब गंद डालेंगे जो कि हम पहले एक सिलसिला देख रहा है। तो यही मुझे इसमें आगे नजर आ रहा है। बाकी जनाब आ जाएं इस बात के ऊपर जो मैंने अभी जिक्र किया कि इमरान रियाज साहब के बारे में, तो इमरान रियाज खान साहब के वकील का जो आज एक ट्वीट था वो बड़ा हौसला अफजा था। उनके ट्वीट से मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि वो जिनके पास भी इमरान रियाज हैं इस वक्त उनके साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर वो इंगेज हैं उनके वकील, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बड़ी तसल्ली के साथ ये बात की है कि वो बखैर आफियत हैं और इंशाल्लाह उनकी हम रिहाई को यकीनी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि आप दुआओं का सिलसिला जारी रखें। तो मुझे तासुर ये मिल रहा है कि जो इस वक्त सूरत हाल है इमरान रियाज साहब जिनके पास हैं उनके साथ किसी ना किसी सतह पर कोई निगोसिएशंस चल रही हैं और कुछ टर्म्स होंगी जो कि अभी डिसाइड होनी है, कुछ मामलात होंगे जिनके ऊपर वो चाह रहे होंगे कि एक यकीन दहानियाँ हो जाएँ और फिर उसके बाद उन्हें रिलीज़ किया जाए। और जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले अपने वीलॉग में कहा था कि इमरान रियाज एक टक्कर का आदमी है, वो कुछ चीज़ों के प्रिंसिपल्स के ऊपर शायद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, इसी वजह से उनकी जो ये गुमशुदगी है ये ज़रा तवील हो गई है, वरना शायद अगर वो जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते तो जल्दी बाहर आ जाते। और अभी भी मेरा अंदाज़ा यही है कि शायद वो बहुत ज़्यादा जो बेसिक उनके प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और यही वजह है कि वो जितनी भी तकलीफ काट रहे हैं वो काट रहे हैं, उनकी फैमिली है वो काट रही है, लेकिन वो कहीं डटे हुए हैं। लेकिन बहरहाल उनके जो वकील और दोस्त हैं उनकी ट्वीट से ये एक ज़रूर मिलता है तासुर के कम अज़ कम वो खैरियत से हैं और किसी ना किसी लेवल पर कुछ ना कुछ कहीं उनकी कोई ख़बर मौजूद है। बाकी ये ज़रूर बात ठीक है जो मैं खुद भी समझती हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए कि जिनको नहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन बिला वजह की फजूल की कयास सराइयाँ ना करें और ऐसी बातें ना फैलाएं कि ये हो गया उन्हें कुछ ये हो गया उन्हें कुछ, तो क्योंकि उनकी फैमिली भी है और इस तरह की खबरें जो हैं बड़ी डिस्टर्बिंग होती हैं और वैसे भी ये गलत बात है, सहाफती उसूलों के भी खिलाफ है। तो मैंने खुद आपने देखा होगा मैं आवाज़ ज़रूर उठाती हूँ कि उन्हें रिहा किया जाए, लेकिन उनके बारे में कोई मैं बिला वजह हवाई बातें नहीं करती और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर है उनकी एक फैमिली है जो इस तरह की फजूल हमारी बातों से दकियानूसी बातों से और हवाई बातों से वो परेशान होती है। तो जिनके पास कोई मुसद्दका इत्तला हैं वो तो ज़रूर बात करें, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको गुरेज ही करना चाहिए। तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और वो जल्द अपनी फैमिली के दरमियान हों, हम सब के दरमियान मौजूद हों, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। लास्टली मैं ज़रा इसहाक डार साहब पर ज़रूर बात करना चाह रही हूँ। इसहाक डार साहब ने जो हरकत की है ये वही हरकत है कि जिसके बारे में आप कह लें कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, या आप ये कह लें कि जब बंदरिया के पल वो पैर जलते हैं तो वो बच्चे नीचे ले लेता है, या कुछ भी आप कह लें कि जब आपसे कुछ बन नहीं पड़ा होता ना तो आपका बस नहीं चल रहा होता कि जो सामने आए वो उसकी आप पे टाई लगाना शुरू कर दें। तो इसहाक डार साहब की फ्रस्ट्रेशन का भी इस वक्त यही आलम नज़र आ रहा है कि दावे तो इतने बड़े बड़े, बात करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की वाली सूरत हाल, दावे आने से पहले ये 200 से नीचे डॉलर 200 से नीचे पेट्रोल, तो ये तो खुशहाली और फलां तो बला, और आके सूरत हाल के पहले से भी गई गुजरे, IMF से इनसे बातचीत हो नहीं सकी, मुंह लगाया नहीं IMF ने इन्हें, और उसके बाद फिर उनको भी बड़ी आंखें झूठी मूठी दिखा रहे हैं, उधर से शहबाज शरीफ साहब उनके जाके पाँव पकड़ लेते हैं और ये जनाब उन्हें बातें निकाल रहे, तो ये इनके हाल है, इन्होंने क्या डील्स करनी है IMF के साथ। लेकिन चलिए वो तो चले, आपने जो भी किया मुल्क का कबाड़ा मीशत का वो तो किया ही किया, उसके साथ ये कि अब इस पर सवाल भी नहीं हो सकता, और अगर कोई सवाल करेगा तो हम उसको मारना शुरू कर देंगे, बाकायदा हम जाहिलों की तरह हाथापाई शुरू कर देंगे, ये इस वक्त लेवल आ गया है। और ये वो लोग हैं नाजरीन जो आप इनको बाहर की सड़कों पे देखें ना, कभी इंसान के बच्चे बन के किस तरह ये चल रहे होते हैं, कोई आके इनके सामने एहतजाज कर रहा है, इनके साथ जो मर्जी बदतमीजी कर रहा है, ये बर्दाश्त करने पर मजबूर होते हैं।
आपने देखा होगा हमारी औरंगजेब वाला वाकया जो कॉफी में हुआ। मैं कोई इस तरह की चीजों को अप्रिशिएट नहीं करती कि भाई आप रात चलते लोगों के साथ गालम गलोच शुरू कर दें, लेकिन मैं आपको बता ये रही हूँ कि वहां पर ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं कि किसी को आगे से मारपीट शुरू कर दें, किसी के साथ किसी को उठवा लें, किसी की फैमिली के साथ ये कर दें, किसी को नौकरी से निकलवा दें, किसी के साथ ये कर लें। ये इनकी बदमाशियां सिर्फ यहाँ चलती हैं। वहां पे आप देख लें मरियम औरंगजेब साहिबा भी कितने इनको बर्दाश्त करनी पड़ी थी, मुस्कुराते हुए कर रही थी। इसहाक डार साहब के साथ हार्ड टॉक में जो एंकर ने किया था, पसीने इनके निकल रहे थे, बात करने जोगे नहीं थे, गला खुश्क हो रहा था, पानी पी पी के इनका बुरा हाल हो रहा था, लेकिन चुप करके बैठे हुए थे। की थे उसके साथ बदतमीजी कोई? ये है लोगों के हालात, बाहर ये ऐसे सीधे होते हैं और यहाँ आकर इनकी बदमाशियां ही नहीं खत्म होती। यहाँ आकर जनाब इनका बस नहीं चल रहा होता कि सहाफियों को जान से मार दें, इनके मुंह पे थप्पड़ लगा दें, इस तरह की कि क्यों कि जी हमारी कारकर्दगी पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, क्यों हम पूछ रहे हैं कि जी आपने ये मुल्क का बेड़ा गर्क क्यों किया है, अवाम के मुंह से आपने दो वक्त की रोटी भी क्यों छीन ली है, क्यों लोग इस हद तक मजबूर हो गए हैं कि गैर कानूनी तरीके से इसी मुल्क से भाग जाना चाहते हैं, छोड़ जाना चाहते हैं, उन्हें कुछ नजर नहीं आता इस मुल्क का मुस्तकबिल, और फिर उसके ऊपर इनसे सवाल करो तो ये ऊपर से हमारी शहरत के ऊपर पांव रखने के लिए तैयार है। इनका बस नहीं चल रहा है कि मीडिया पर्सन जो जरा सी भी कोई ऐसी आवाज उठा रहे हैं उनको गला दबा दें, उनका जितना कर सकते हैं ना वो कर रहे हैं, आप यकीन मानिए। बिल्कुल आजादी सहाफत खत्म है इस वक्त पाकिस्तान में, चैनल्स बिल्कुल कंट्रोल्ड है, एक एक लाइन तक इनका बस नहीं चल रहा, लिखी हुई आ रही हो कि वो हम चलाएं। मैं तो कहती हूँ वैसे ही बंद कर दें सारे चैनल्स और सिर्फ पीटीवी की लाइव फीड दे दें सबको कि यही चलवा ले सब, क्योंकि जब आपने अगर खुलकर किसी को बात ही नहीं करने देनी तो फायदा क्या है ये नामने हाथ की जमहूरियत का जो आपने सजा के रखा हुआ तमगा अपने ऊपर, वरना पता तो सबको चल रहा है कि आप लोग कर क्या रहे हैं। और अब आप इस हद तक आ गए हैं कि फिजिकली आप लोगों को मारना शुरू कर दें, वेरी गुड। तो ये इसहाक डार साहब का जो कारनामा है, मईशत में तो कुछ कर नहीं सके, अब ये कारनामे जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पूछने वाला कोई नहीं, बदमाशी चलती है इस मुल्क में, रूल ऑफ लॉ तो है नहीं है, कानून तो है नहीं है, किसके पास आ जाएंगे? पुलिस के पास, अदालतों के पास, तो आपको पता है क्या कर लेंगे वो भी। और इस मीडिया के जो लोग हैं वो वैसे ही आधे बिके हुए हैं, आधे कॉम्प्रोमाइज हैं, डरे हुए हैं, बस मौजें हैं इनकी लगी हुई, देखें कितनी देर लगाते हैं। मिलते अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।